गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जा रहा हूँ भाई ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि गाड़ी तो अपनी लगाई है भाई पार्किंग में। तो अभी जो ट्रांसपोर्ट है अपनी वो पार्किंग से भाई 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो भाई अभी ऑटो में बैठे हैं, जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। अकेला ही हूँ भाई, और दूसरी गाड़ी अपनी भाई मंडी के अंदर ही है, वो अभी खाली हुई नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या चलो मैं ट्रांसपोर्ट में जा आता हूँ, देखते हैं कोई माल मूल बनता है या नहीं है। इसलिए सीधा आपको ट्रांसपोर्ट में जाके मिलता हूँ। अभी तो बस निकल रहे हैं यहाँ से, गलियों से देख रहे हैं आप, ऑटो में फील ले रहे भाई। तो दोस्तों अभी आगे पहुँच गया हूँ भाई मैं ट्रांसपोर्ट में, देख रहे हैं आप भाई है ट्रांसपोर्ट की बिल्डिंग, इसके अंदर है भाई हमारी ट्रांसपोर्ट। तो बस अभी मैं ट्रांसपोर्ट से ना बाहर आ गया हूँ, अभी 2 घंटा इधर ही था ट्रांसपोर्ट के अंदर। अब जा रहा हूँ भाई कुछ खाने के लिए, दिन के बज रहे हैं 2, मैं का लंच कर लेते हैं। अब किधर होटल है भाई का, अपने अन्ना होटल है भाई एक, यहाँ उसके पास चलता हूँ, मैं का लंच कर लेते हैं। बाकी फ़िलहाल भाई कोई ऑर्डर नहीं आया, और अपनी छोटे वाली गाड़ी भी भाई खाली नहीं हुई अभी। तो 10 चक्का तो अपना कल ही खाली हो गया था, लेकिन 6 चक्का नहीं हो पाई, उसमें माल अभी बच रहा है। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, आज हो जाएगी शाम तक खाली। तो चलिए भाई मैं जाता हूँ उधर, कुछ खा के आता हूँ। और मौसम देख रहे हैं भाई, आज साफ़ है मौसम, नहीं तो 2 दिन से यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है मुंबई में। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, चलिए जाके आता हूँ भाई खाना वगैरह खा के, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपको सीधा गाड़ी के पास जाके। और फिर मंडी में भी मेरे को जाना है, देखते हैं जरा गाड़ी खाली हुई या नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग भाई, आज है डे 2। तो अभी देख रहे होंगे भाई आप, मैं हूँ 90-23 में अपनी धनौराणी में भाई, इसको लेके जा रहा हूँ लोड करने। और भाई 10 चक्का भी अपनी लोड होने चल गई है, वो गई है भाई तलोजा, और मैं जा रहा हूँ पनवेल लोड करने। और दिन के बज रहे हैं भाई अभी 12, तो बस निकला हूँ भाई, अभी देख रहे हैं वाशी से निकला हूँ बाहर। और ये रहा भाई अपना सीधा रोड, ये पूना के लिए जा रहा है सतारा हाईवे। तो जा रहे हैं भाई JWR लॉजिस्टिक्स, बहुत बड़ी कंपनी है भाई पनवेल में, वहाँ जा रहा हूँ मैं माल उठाने के लिए, देखते हैं भाई क्या माल रहता है। और दूसरी गाड़ी में तो अपने में केमिकल लोड होने गई है, केमिकल बैग पाउडर बैग, तो इसमें अपन को कुछ क्रेन लोड माल लोड करने जाना है। तो बाकी भाई पहुँच के बताता हूँ आपको क्या माल लोड करने जा रहा हूँ। तो चलिए भाई फटाफट चलते हैं पनवेल। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हम भाई पनवेल, JWR जो लोकेशन है हमारी वहां पर। और अभी गाड़ी भाई अंदर ले रहे हैं, देख रहे हैं आप चारों तरफ मेरे कंटेनर यार्ड है भाई, दिखाना बार एक बार लोकेशन, इधर ले जाना है हमारे को कहीं अब गाड़ी लेके भरने के लिए। तो चलो पहले गाड़ी लगाते हैं अभी, जहाँ लगवाएंगे ये भरने के लिए, गाड़ी खड़ी करने के बाद मिलते हैं आपसे। कहाँ लेके जाओगे अंकल जी, ये लेके जा रहे हैं हमारे को आगे आगे, भी गाड़ी लेके आओ पीछे पीछे, इधर माल पता नहीं कहाँ से डालेंगे। गाइस आ गए हम अंदर, तो माल लोड होना है अपनी गाड़ी में, एक ये वाली पेटी है और एक रही भाई वो वाली पेटी, देखिए आप सामने ये 2 बॉक्स लोड होने हैं भाई हमारी गाड़ी में। तो भाई इस बूम से उठाया जाएगा, ये जो पायलट है इसे उठा के भाई इस गाड़ी में डालेंगे। अब देखते हैं भाई कहाँ तक आता है इसे, कहाँ तक नहीं, इसका बूम ऐसे तो काफ़ी लंबा है, आगे तक आ जाएगा, यहाँ तक डालना पड़ेगा हमारे को। 1 बॉक्स यहाँ डाल देंगे और 1 यहाँ डाल देंगे। चलिए दिखाते हैं भाई आपको कैसे करते हैं इसकी लोडिंग। भाई पेटी बड़ी मुश्किल से लोड करी, उससे तो टूट गई, देख रहे आप एक पेटी बड़ी मुश्किल से पहुंचाई, अभी आ रही है भाई दूसरी, लेकिन इसके भी भाई हाल बहुत बुरे है, देखते हैं भाई रखवाते हैं इसको इधर। चल 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 सीधी कर ले, हाँ आने दो आने दो। फाइनली गाइस हमारा भाई माल हो चुका है लोड, देख रहे आप दोनों पेटियों को भाई हमने कर दिया है पैक ताकि बारिश ना आए।
तीन चार फुट जगह आगे बच गई, बाकी पांच फुट जगह पीछे बच गई, बस ये दो ही पेटियां। हवा काफी तेज चल रही है भाई, यहाँ देख रहे हैं आप पास पास मेरे कंटेनर यार्ड है, देखो चारों तरफ ये चक्कर। तो चलिए भाई अब चलते हैं यहाँ से, हाथ पैर धोते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं, देखते हैं बिल कब मिलते हैं हमारे को, फिर निकल जाएंगे भाई। और ये जो लोड है भाई हमने गाजियाबाद का उठाया हुआ है एक महीने। तो दोस्तों फाइनली भाई अपनी गाड़ी हो चुकी है लोड, और इधर अपने मराठी भाऊ आए, इनको भी मैंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, दोनों भाई अब जुड़ गए अपने ट्रक हीरो फैमिली में। तो क्या क्या आपका क्या नाम है? नरेश कामले भाऊ। और आपका? विजय। मैं क्या भाई, आप भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि महाराष्ट्र से अपनी भाई फैमिली बहुत बड़ी है, इस करके भाई इनको भी सब्सक्राइब करवा दिया चैनल। तो लोडिंग तो अपनी कम्प्लीट हो चुकी है, तो इस पर तिरपाल मारने की जरूरत नहीं है, अंदर अंदर हमने इसकी सेटिंग कर दिया ओके। तो अभी वो बोल रहा है कि बिल के लिए आपको टाइम लगेगा, 5-10 मिनट बैठ जाओ, उतने को लेके आते हैं और फिर अपन यहाँ से लोड होके निकल जाएंगे। और अपनी दूसरी गाड़ी भी 10 चक्का भी लोड हो गया हुआ है, वो भी हमारे को मिलेगा तलोजा जाके। तो जैसा भी होगा भाई बता दूंगा आपको, वीडियो में बने रहना लास्ट तक, बिना किसी स्किप करे वे। तो दोस्तों अभी आए हैं भाई हम बाहर, देख रहे हैं आप यहाँ से भाई हमने गाड़ी लोड की है, देखो JWR, तो हमारी गाड़ी लोड हो गई हुई है, ये देखो वहाँ खड़ी है अपनी गाड़ी। लोड होके अपन बाहर आ गए थे, इधर गए थे चाय पीने, तो चाय वाय पी ली है, शाम के बज रहे हैं 5। अब सोच रहे हैं भी अभी यहाँ से भाई निकलते हैं वापस वाशी की तरफ के लिए, ट्रांसपोर्ट में जाके फिर हिसाब किताब भी बनाएंगे। तो अभी हम पनवेल में हैं, चलिए भाई अब करते हैं यहाँ से अब सफ़र शुरू वाशी की तरफ के लिए। वो खड़ी अपनी धन्नो रानी। तो चलिए दोस्तों भाई निकाल ली हमने गाड़ी और जा रहे हैं भाई वापस मुंबई थाने की तरफ के लिए। देख रहे हो ये आ गया अपना सीधा बेलापुर रोड, और अभी आए हम JNPT वाले रास्ते से पनवेल से, अब जा रहे हैं वापस थाने की तरफ। फॉर्चुनर वाले भैया, बाकी मौसम देखो एक नंबर हुआ भाई। वाशी पहुंच गए हैं जी, पार्किंग के पास लगा लिया गाड़ी हमने, अब कर रहे हैं भाई दूसरी गाड़ी का वेट, क्योंकि दूसरी गाड़ी भी आ रही है लोड होके, बस थोड़ी देर से निकलते हैं। मैं तो ट्रांसपोर्ट में गया था, वो हिसाब किताब बनाना है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में कोई नहीं है। देख रहे हैं आप हल्की हल्की भाई बूंदाबांदी लग गई है, चलो गाड़ी के अंदर बैठता हूँ जाके। गाइस शाम के बज रहे हैं भाई 9, और हमने भी निकाल ली है भाई गाड़ी बाहर, और देख रहे हैं भाई जाम है, सारा जाम जो है ये एरोली वाली साइड को जा रहे हैं ना गाड़ियाँ, इधर का जाम है। मैं सोच रहा हूँ सीधा कलवे नाके होके निकलते हैं, क्योंकि छोटी गाड़ी को उधर से नो एंट्री नहीं है, बाकी नीचे एरोली हो गए तो देख रहे आप कितनी नो एंट्री है। नो एंट्री नहीं, जाम देखो कितना है, चेक करो। अपन चलते हैं सीधा कलवा नाका, ये भाई कलवा नाका, एक बार यहाँ देखो तो कितना मस्त व्यू है। अरे राम, खोलो भाई खोलो, लॉक खोलो, खोलो इसका लॉक। गाइस वसई आगे पहुंच गया, वसई के ब्रिज के पास जहाँ से वसई वाला रोड जाता है। तो गाड़ी में भाई तेल कम था, मैं कहा चलो भाई गाड़ी में तेल भी डाल देते हैं, करवा लेते हैं इसका टैंक फुल। और आज भाई पार्किंग लाइटें चेंज करी भाई, पूरी गाड़ी की सब खराब हो गई थी, सब चेंज करी, देख रहे हो आप। चलो पहले डीजल डलवा लेते हैं, फुल कर दो भैया, देख रहे हो आप। ये वाली ली भाई मैंने नई लाइटें ना, इसके लिए लेके रखी थी काफी टाइम से, तो आज मैंने भाई ये सारी फिट की, क्योंकि भाई पुरानी लाइटें सब खराब हो गई हुई थी। तो ये रहा भाई पीछे से कुछ ऐसा, बारिश में तो भाई गाड़ी के बुरे हाल हो जाते हैं, और इस साइड से भी देखो लाइट है, सही है ना।
कमेंट करके बताना भी सही लग रही या नहीं लग रही, क्योंकि मेरे को भाई लाइट कहीं अगर खराब हो जाए ना, पता नहीं क्या ऐसी आदत है, मैं उसको तुरंत सही करने लग जाता हूँ। आधे से ज्यादा गाड़ी की लाइटें खराब थी, अब सब चेंज कर देख रहे आप आगे से लेके पीछे तक सब ओके। चलिए अब भाई गाड़ी में डीजल डलवाते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। अब भूख भी लग रही है क्योंकि दिन में भी नहीं खाना खाया, फिर आगे मनोर से पहले पहले कहीं होटल पर रुके खाना खा लेंगे। मनोर पहुंच गया जी, मनोर से पहले आ गया सामने एप्पल होटल, सोच रहा हूँ इधर ही करते हैं आज का डिनर भी, लगाते हैं जरा इधर कहीं साइड में गाड़ी जगह देख के। भाई चलो चलो, तो ये रहा भाई होटल जहाँ रुके हैं खाना खाने के लिए, एप्पल होटल, और ये लगी अपनी धनो रानी। चलो लो चाबी पकड़ो भाई, चलो चलते हैं खाना खाने के लिए। ये रहा भाई होटल। तो गाइस हम तो आगे भाई खाना खा के हो गए फ्री, तो एक गाड़ी का वेट कर रहे थे दूसरी गाड़ी का, और वो आ गया भाई अपना 10 चक्का भी दूसरे वाला, चेक करो। लियो जी लियो, ये आ गया 10 चक्का भी लोड होके। ये अपनी धनो लगी आगे, लाइट बताओ देखो तो कितनी अच्छी लग रही लाइट भाई, पीछे लग गया 10 चक्का। बस अभी हमारा प्लान है, अब खाना तो हमने खा लिया, हिचकी आ रही है भी, अब यहाँ से बापी तक जाएंगे, सुबह देखेंगे कोई इसमें माल डालेंगे, कोई रिपोर्ट अगर कोई हल्का फुल्का माल मिल गया। ऊपर का मेरा गाजियाबाद का लोड है और इसका सोनीपत का है, और जो अपने वाला 10 चक्का है वो अभी पीछे है, वो आ रहा है, उसमें जीरकपुर चंडीगढ़ का लोड है। तो जैसा भी होगा, बाकी फ़िलहाल भाई देखते हैं, इस वीडियो को यहीं कर देंगे एंड, फिर कल के लिए फिर कल नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। बाकी अगर भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके रख देना।